हे गाइज़, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। बॉर्न पिस्टन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो है यार, इतनी धमाकेदार न्यूज़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जब मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी ना, 10 दोस्तों को तो ऐसे ही फ़ोन लगा दिया कि भाई ये होने वाला है, ऐसा होगा, इतनी तारीख को ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। किस चीज़ के बारे में बात करी है वो तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे। तो अपन लोग बात करने वाले हैं द लेजेंड हायाबुसा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक का एक ऐसा इतिहास रहा है, इतने बाइक लवर्स कम्युनिटी में किसी भी बंदे से पूछ लो, बच्चे बच्चे को भी बात मालूम होगी कि भाई वो देखो हायाबुसा जा रही है, हायाबुसा जा रही है। इस बाइक का ऐसा क्रेज़ है इंडियन मार्केट के अंदर। तो आज हम लोग बात करते हैं हायाबुसा के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्राइस, फीचर्स और ऑलमोस्ट जितनी भी न्यूज़ मुझे अभी तक मिली है। हायाबुसा के अगर बारे में मैं बात करूँ तो 1999 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर, जब मैं शायद पैदा हुआ था, 1 साल का हूँगा। जब वर्ल्ड फास्टेस्ट रोड लीगल बाइक थी ये, जिसने होंडा की ब्लैकबर्ड को हराया था, मतलब 312 किलोमीटर की टॉप स्पीड अचीव करके। बट फिर ड्यू टू सम रीजंस और सब थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स को लेकर के भाई 299 पे, मतलब सबने कंपनीज़ ने कि नहीं इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए वो चीज़, बट इस गाड़ी ने एक अलग ही लेवल का ट्रेंड बना दिया था। धूम मूवी से ये बाइक इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि हर बंदे की ज़बान पे थी हायाबुसा हायाबुसा और सिर्फ हायाबुसा। मैं 100% जानता हूँ कि आप में से भी अगर एक सच्चा बाइकर होगा ना भाई, हायाबुसा तो ड्रीम बाइक होगी ही होगी। इवन मेरी खुद की भी है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर वो भी हम लोग पूरा करेंगे। खैर अपन लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो एक टीज़र वीडियो को लॉन्च किया गया है, मतलब दिखाया गया है, जो कि मुश्किल से 40 या 42 सेकंड का है, इसको देख करके कुछ भी नहीं समझ सकते। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग, मतलब जो इंटरेस्टेड रहते हैं ना बाइक के अगेंस्ट, तो भाई वो देखते हैं कि हाँ क्या चीज़ें चेंज आने वाली हैं क्या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले अगर इस बाइक को देखोगे तो ये बाइक है वही जो आने वाली है, मतलब इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के। बट जब ये बाइक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में गई है ना, तब तो भाई अंदाज़ा नहीं है कि कैसी होगी कैसी नहीं, क्योंकि काफ़ी लुक्स वायरल हुई थी इस बाइक की। अब ES6 के नॉर्म्स होते हैं कि भाई पोल्यूशन कम करे गाड़ी, तो उसके अंदर सक्सेसफुली मतलब हायाबुसा सही नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब 2021 में आप लोगों को हायाबुसा जो देखने को मिलेगी, उसकी टीज़र वीडियो आप लोगों ने देख ही ली है। इस गाड़ी के अंदर आपको जो चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, फ्रंट फेयरिंग, स्मूथ सरफेस, लॉन्ग व्हील बेस, फुल्ली LED लाइट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट काफ़ी इमेजेस जो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ वायरल हुई हैं, आप लोग देख सकते हो, आपके सामने हैं कि हायाबुसा ऐसी होगी, हायाबुसा का लुक कुछ ऐसा होगा। अब ये तो खैर अपनों आप लोगों को पता चलेगा 5 फरवरी 2021 में, मतलब कुछ दिन और इंतज़ार करो और फिर देखते हैं। बट अभी जो ये जो फ़िलहाल है वो ग्लोबली डेब्यूट होने वाला है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ये गाड़ी आएगी। बट कुछ टाइम बाद जैसे ही लॉन्च हो जाएगी, इमेजेस जैसी सेम रहेगी, डिट्टो वही बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मेन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, तो वो सबसे पहले आपको पहले ये 1340 cc के आसपास मिलती थी, बट अब 100 cc मतलब बढ़ा दिया जाएगा, जो कि अराउंड 1440 cc के आसपास हो जाएगी। आप भी जानते हो कि जब BS6 में बाइकों को कन्वर्ट करा गया तो उसमें किसी में पावर कम हो गई, किसी में बड़ी रेयर बाइक्स थी जिनमें बड़ी, और वो काफ़ी तो ऐसी थी कि जो डिसकंटिन्यू हो गई। बट मुझे लगता है कि लेजेंड को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और जैसा अभी मतलब लोग कह रहे हैं कि क्या हायाबुसा दोबारा से मतलब वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक बनेगी, तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। ये बाइक आने वाली है 4 सिलेंडर इनलाइन लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ, जो कि अमेजिंग होने वाली है। कुछ इम्प्रूवमेंट, जैसे कि लोगों ने काफ़ी वक्त से इस बाइक को चलाया है, 1999 से 2020 तक ये गाड़ी चलती आई है, तो काफ़ी चेंजेस नहीं किए। ब्रेकिंग जो थी, कहा जाता था कि यार हायाबुसा की ब्रेकिंग वेट की वजह से उतनी बेहतरीन नहीं है, उस ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया गया है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना सुना है। आप लोग टीज़र वीडियो में देख सकते हो कि इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड 288 किलोमीटर के आसपास में दिखाई जा रही है, जाने दो ये 300 प्लस वाली ही है, आप लोगों का क्या मानना है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कॉर्नरिंग ABS आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि कहीं ना कहीं इस पावरफुल बाइक के लिए ज़रूरी है। 200+ BHP अब आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेगा, जो कि है भाई साहब अमेजिंग। वैसे तो इसमें टर्बो का भी बोला जा रहा है कि भाई टर्बो आएगी, देखो मैं अभी भी एग्जैक्ट नहीं हूँ, जैसे जैसे न्यूज़ आएगी मैं बताऊँगा आप लोगों को वीडियोज़ बना बना करके।
फिलहाल इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक सिंपल वेरिएंट होने वाला है, जो थोड़ा और पावरफुल इंजन होने वाला है। मतलब इंजन क्या टर्बो जिसमें आएगा उसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट उसके अंदर आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे चाहे जैसे आप लोगों को सही लगेगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आप लोगों को क्या लगता है कि हायाबुसा के अंदर क्या क्या चीज़ों का चेंज अभी भी बाकी है? बाकी अगर हम अदर चीज़ के बारे में बात करें, लाइक इस बाइक के टॉप स्पीड अराउंड 300 प्लस जाएगी, माइलेज की अगर बात करें तो अराउंड 7 to 11 के आसपास का एवरेज आप लोगों को बाइक दे देगी। बट ये बाइक्स कभी भी एवरेज के लिए बनी ही नहीं है भाई, साफ सीधी बात। जो बंदा इन बाइक्स को ख़रीद सकता है वो बेशक इनके तेल का तो खर्चा अफोर्ड कर ही लेगा, क्योंकि जो मज़ा आप लोगों को देगी ना वो शायद ही कोई बाइक दे। 0 to 100 3 सेकंड के अंदर ये बाइक जाने वाली है। अगर बात करें हम ब्रेकिंग सिस्टम और टायर की, तो आप लोगों को 6 पिस्टन कैलिपर 320mm के डुअल डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे, 240mm का आप लोगों को रियर में डिस्क देखने को मिलेगा सिंगल। यहाँ पे व्हील साइज़ की बात करें 120x70 R17 इंचेस के आप लोगों को अलॉय व्हील्स और टायर्स देखने को मिलेंगे। ये 190 सेक्शन का आप लोगों को टायर मिलने वाला है रियर में, जो कि 17 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ आने वाला है। सस्पेंशन आपको दो वेरिएंट्स में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एक इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल होगा और एक जैसा आपको नॉर्मली USD फोक जैसा या फिर इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक आप लोग कह सकते हो, जो कि 43mm का होने वाला है। प्राइस की यहाँ पर देखो, काफ़ी लोगों को यार मेरे से कह रहे थे कि भाई प्राइस का क्या लगता है आप लोगों को कि कितना ज़्यादा बढ़ सकता है कितना नहीं बढ़ सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हायाबुसा का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया तो मे बी शायद ये लेजेंड ना रहे। बट ऐसा हो सकता है कि ये लोग ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपए या फिर थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करें, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ इंक्रीज़ होने वाला है। बाकी भाई बाइक कैसी होगी कैसी नहीं होगी 5 फरवरी को आप लोगों को पता ही चल जाएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार में हैं इस बाइक के? काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई H2 से क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है, कि मतलब क्या ये टक्कर दे पाएगी H2 को? तो भाई वो तो जब ये लॉन्च होगी तभी मैं बता सकता हूँ। बाकी आप लोग वो फीचर्स में, जैसे हर चीज़ का फीचर्स कुछ भी ले लो, ABS आपका हो गया, कॉर्नरिंग ABS आप लोगों को मिल ही जाएगा आप लोगों का। हाँ, क्विक शिफ्टर के लिए भी काफ़ी लोग कह रहे थे, तो देखते हैं कि क्विक शिफ्टर आप लोगों को मिलता है नहीं मिलता। बट मेरे को जहाँ तक मालूम है तो क्विक शिफ्टर आने वाला है, TFT डिस्प्ले जिसे MID आप लोग कह सकते हो, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है देखने में। भाई जो नई वाली हायाबुसा की है वही स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो ये नई वाली हायाबुसा का ही है। एनालॉग ओल्ड स्कूल रखा गया है एनालॉग मीटर आप लोगों का, जैसे नॉर्मली आता है आप लोगों का अभी भी, जो कि जिससे तो मुझे प्यार है भाई, वो अमेजिंग है सच में। आप लोगों को और क्या क्या चीज़ों की कमी लगती है हायाबुसा के अंदर मुझे ज़रूर बताना, और एक आधी वीडियोस और मैं बनाऊंगा जैसे मुझे न्यूज़ मिल जाए, कुछ इमेजेस ऐसी मिल जाए जिससे थोड़ा सा ये क्लियर हो सके कि हाँ भाई लुक ऐसे होने वाले हैं, तब तो मज़े ही आ जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हायाबुसा क्या क्या करने वाली है, धमाल मचाने वाली है नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी दिन से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी भाई साहब अगर आप लोग हायाबुसा से प्यार कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर #हायाबुसा ज़रूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।